रोटी बैंक यूथ क्लब ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे धनबाद के साथ साथ धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों के बीच 365 दिन दो वक्त का भोजन लेकर जरूरतमंदों के बीच बांट रही है। आज का भोजन स्टेशन परिसर, सिटी सेंटर और हीरापुर में खाना बांटा गया। इस कोविड-19 महामारी में धनबाद क्षेत्र में अब एक ही मात्र संस्था बची है जो इस जरूरतमंद को भोजन करा रही है। कई संस्था आई और कुछ दिन में लुप्त हो गई, पर रोटी बैंक यूथ क्लब ही एक ऐसी संस्था है जो पूरे लॉकडाउन से लेकर अब तक लाचार, बेबस और जरूरतमंदों के बीच आकर हर संभव मदद कर रही है। सभी के सहयोग से जरूरतमंदों तक रोटी बैंक यूथ क्लब के सदस्य पहुंच पा रहे हैं। संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव का कहना है कि जिस तरह सारे लोग अपनी जान को जोखिम में रखकर इस महामारी में हम लोगों का साथ दिए हैं, उसके लिए हम सभी लोग उनका आभारी हैं। पूरे देश विदेश और रोटी बैंक यूथ क्लब के महिला एवं पुरुष वर्ग ने समय समय पर आकर जरूरतमंदों की सेवा की है। रोटी बैंक यूथ क्लब के एक ही सपना है, सपना भूखा ना सोए अपना, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रवि शेखर, जयप्रकाश, रितेश, उमेश, राहुल और विश्वजीत ने अपना योगदान दिया। रोटी बैंक यूथ क्लब का बस एक ही सपना, कोई भूखा सोए ना अपना। रोटी बैंक यूथ क्लब प्रतिदिन की तरह आज भी जरूरतमंदों के लिए खाना लेकर स्टेशन, हीरापुर, शक्ति मंदिर और रांगाटार जगहों पे पहुंचकर जो भी भूखे और लाचार है उन तक पहुंचकर हमारी टीम के द्वारा आज खाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस कोविड-19 में लगातार हमारी रोटी बैंक यूथ क्लब दो टाइम का खाना जरूरतमंदों के लिए पहुंच रही है। यह संस्था पिछले 2.5 वर्षों से कंटिन्यूस धनबाद में जरूरतमंदों के लिए खाना लेकर पहुंचती आई है और धनबाद के लोगों और जितने भी जनता है सभी से अपील करती आई है, आप उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में और अन्य की बर्बादी को रोकने के इस मिशन में आप सभी का साथ और सपोर्ट चाहिए।